आज हो क्या रहा है, जैसे कि ठाकुर द्वारा के अंदर एक जाटव बहन का शोषण हुआ, उसका बलात्कार हुआ, पर कोई भी जाटव समाज का व्यक्ति वहां पर नहीं गया, ना ही और ना ही सारा हिंदू समाज वहां पर पहुंचा। अगर पहुंचा तो कौन पहुंचा? बजरंग दल पहुंचा, विश्व हिंदू परिषद पहुंचा। वो क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने सोचा, जाटों ने सोचा कि यार वो तो जाटव की लड़की थी। बनियों ने सोचा कि वो तो जाटव की लड़की थी। ठाकुर ने सोचा कि वो जाटव की लड़की थी। अगर हिंदू समाज ये सोच लेता कि वो हिंदू की लड़की थी, तो आने वाले समय में इन जिहादियों की हिम्मत नहीं होती कि किसी लड़की की तरफ तो हाथ उठाकर भी वो देख लेते। पर हमारा हिंदू समाज आपस में बटा है। वो कहता है कि मैं जाटव हूं, वो कहता है कि मैं वाल्मीकि हूं, वो कहता है कि मैं ठाकुर हूं, पर हिंदू समाज ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैं हिंदू हूं। यही हिंदुओं का पतन है। अगर हिंदू इस बात को मन में बैठा ले कि मैं हिंदू हूं, तो मुसलमानों की हिम्मत नहीं कि हिंदुओं के ऊपर आंख उठाकर देख ले। अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर क्या अत्याचार किया गया, कितनी वीडियो आई, हिंदुओं के साथ शोषण किया गया। पर जब वहां का हिंदू भूल गया कि हम जाति बात में बंटकर नहीं एक जगह हो जाए, तो अब कोई वीडियो बांग्लादेश से नहीं आ रहा है। ना ही उनकी हिम्मत उन मुसलमानों की कि वह वहां के हिंदुओं को परेशान कर दे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सब बरादरी बात छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बने। अगर हिंदू बनोगे तो देश रहेगा, वरना पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, बहुत सारे देश अपने ही देश के टुकड़े होकर ये हिंदू नहीं बने तो गया। अगर 7 लाख हिंदू हथियार उठा लेता उस कश्मीर के अंदर, तो उस कश्मीर के अंदर से हिंदू को नहीं भगाया जाता, वो कत्लेआम नहीं होता। आज कश्मीर के अंदर नाम को भी हिंदू नहीं है। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप सारी चीजें छोड़कर सिर्फ हिंदू बने। धन्यवाद। यहां पर कोई नेता नहीं है बीजेपी का, और ना ही कांग्रेस का, ना ही बहुजन का। यहां पर विश्व हिंदू परिषद का कार्य हो रहा है, जो सिर्फ जय घोष के नारों से होता है, ना कि तालियां बजाने से। तालियां बजाने के लिए तो लूची और सर्वेजी और दुनिया भर के नेता है। जय श्री राम।